ओ बर्फी, अच्छा बर्फी है, बर्फी खाने पहनते आज गई को बर्फी खाना। हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक मोहम्मद रजा और आप सुन हमारा यूट्यूब चैनल एलएम स्टूडियो एंड वी लॉ। दोस्तों सुबह हो गई है, नाश्ता कर लिया है और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिस पे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नया आने वाला व्लॉग आप तक पहले पहुंच सके। और उम्मीद करते हैं सब भाई खैर वाफियत से होंगे और जो सफ़र में होंगे अल्लाह उनको अपनी मंजिल तक खैर वाफियत से ले जाए। और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ते साढ़े सारे भीरा जेरे साढ़े चैनल को सब्सक्राइब किए ने ते जेरे साढ़े वीडियो को लाइक करे ने कमेंट करे ने सारे हंसते ते मुस्कुराते रहन आमीन ते सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम सोना, क्या हाल है? सही तबे से ठीक है? अरे खैर है, बस दोबारा सटे ने पावे रजे ने पावे हुन रजाओ रजाओ रजाओ। नमक तले चास लेने ने हर वेले इन्ना कोई सिस्टम मैं को लगी ने गाले च लटका खड़ा। आज फील्ड पे निकले हुए हैं हाई सब के साथ काफी दिन के बाद। चार कितने कटे खड़न? चार एक एक गुना रख दिया वो तू क्या करे ने अजीज साहब नवे स्टाइल नाल तो कुछ कर दे रही है नवा प्रोग्राम है सही ठीक है। मोहम्मद भाई ये तेरा और वो मेरा ठीक है ये तेरा ठीक है क्या नहीं ऐसे कुणे पा दे तू दे नाल मां के तू हो चोंगी ने तू हो चोंगी ने असा क्या है सब सही से भाई और मैं जुड़ता मैं बैठा है साहब क्या भाई साहब पहले मैं गाल ये करे ना पिया में तू आधा ना मैं 2-4 महीने जलने थे मेरा दिल इन आज मैं के तकुले मां कूले कटे ते आए तक दू है कूले खुदा की कसम में बड़ा इंसाफ आ गया। चलो जरे मैं तो तोड़े असन तोड़े ते छोड़े तुसा के को कुण गाने से बंदर पई है त्रुटी ते उंदी लत बनावणा है हाय साहब मु को आके लत बना दे ते उमा के कह दे हाय साहब बाकी साडी साडी लत साडी लत नहीं बनावे बंदर दी बनावणी है हाय साहब दी नहीं लत बनाओ हाय साहब मैं तेरी लत त्रोड़ दे सही हाल डीजे डीजे यूं डीजे वीडियो बन दी चली वीडियो बन दी खड़ी हो मैं दुकान ना कहने हां वीडियो बन दी चली ए रख पता रखे आ जी वाले ना के हां आ जी में की थे हां ये उस्ताद जी ये सेटिंग होने लगी है जी हाय साहब लत बन दी पई है क्या हाल कराए ओए इधर इधर सामने ना हाय साहब ए इधर घूम देना इधर सामने आ देना खड़ा करो मतलब भाई डू निकले या कुछ एकदम लगे ना साइड देख लो भाई संगे जोड़ दे हाय साहब केवल क्या अंदाज है उस्ताद जी लाई हो दे निशान निशान है निशान लाई दे ए अगा पीछे दी आ वाले सुराख तैड़ा करना पड़िया सानू अगा पीछे दी आ वाले थाई सुराख मार दे तू भाई साहब क्या सदा नहीं को गिरमेट वाह गिरमेट वाह मला करे भी साहब गिरमेट दा वाले याद हो सी ना ताको ओ सही एक गाल है और मला कर भी जल देख छी ना वीडियो को हूं वाले पता चल दे गिरमेट हां गिरमेट
ਹਾਈ ਦਾ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਚਾਹਤੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁਕੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ ਮਾਵਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਬਣਵਾਈ ਵੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਮਾਰੇ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਨੋ ਸਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੱਢੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਕੜ ਦੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਪਕੜੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦਰਿਆ ਦੋਈ ਆ ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਚ ਪਕੜੀ ਆਉਂਦੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮ ਜੋ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁੱਕੇ ਚ ਪਕੜ ਲੈ ਇਸ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਜੂਸ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਨ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਸ ਚਲੋ ਮੌਜ ਚਾਵ ਮੌਜ ਚੈਨ ਜੀ ਚਾਸ ਚਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਤ ਇਹਦੀ ਬਣਵਾ ਦੇ ਆ ਗਏ ਲੱਤ ਨਵੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਥੀ ਵਣੇ ਨਟ ਲੱਗ ਵਣਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਹਾਈ ਸੇਵਾ ਖਰਾਬ ਥੀ ਵੈਸੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਉਤੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਵੈਸੇ ਥੀ ਹੁਣ ਡਾਢੇ ਆਏ ਹੁਣ ਡਾਢੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹਾਈ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਟਾਇਟ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੈਡੀ ਔਰ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਈਟ ਸੀਮੈਂਟ ਚਿੱਟੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਗੁਥਰੇ ਗਿਨੇ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਖੜੇ ਰੁਕਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਸੇ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਏ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੱਠੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੱਠੇ ਦੇ ਵਾਂਝ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਇਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੇ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੋ ਅਬ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੁਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਪੈਨ ਸਹੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਬਲ ਕੇ ਚਾਹਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਤੂੰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲ ਤਾਂ ਪੈਂਡੇ ਪਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਵੀ ਔਖੇ ਪਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰਾ ਉਹ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਸਰ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਂਦੇ ਪਏ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਸੱਥ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਥੀ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਥਾਏ ਵਧਿਆ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਥਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ ਓਏ ਸ਼ਰੀਕੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਫਿਆਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰੋ ਤਰਾਈ ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਬਈ ਕਿਸ ਬਣ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਚਿੱਟੀ ਸੀਮਿੰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਧਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇਹ ਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਈ ਠੀਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੀ ਵੇ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਇਹ ਜੀ ਇਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਮ ਉਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਾਮ ਜੀ ਅਬ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਫਾਰਮ ਪੇ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਫਿਆਸ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਾਮ ਉਹ ਜਾ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਥੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਤੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਚਾਚਾ ਫਿਆਦ ਵਧੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਵਧੇ ਹੋ ਡਾਂਡੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖਾਲ ਪਾਈਏ ਕਸ਼ਾ ਪੂਸੀ ਪਈਏ ਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਓ ਜਾ ਓਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਲੋ ਓਏ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋ ਪਿਆ ਜਰਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਬਾਈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਟ ਚੱਲ ਕੋਈ ਬਾਲੋ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਲੋ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਲੋ ਸ਼ਾਹੀ
गई खवे दे पया सी बालो शाही क्या खवे दे पया सई ओ बर्फी अच्छा बर्फी है बर्फी खाने पया थे आज गई को बर्फी खाना खड़े दार नौकर देख तो सई है बर्फी बर्फी मैं चला दी बर्फी खवाई खड़े थाने को देख है अवल एक नहीं काम की तवे क्या ज्यादा बर्फी खाओ खाओ बर्फी हिम्मत करो हिम्मत करो उन्हें रांझो को साड़ी थे उन्हें रांझुड़े देखने पर हूँ रांझुड़े देखने घास साड़ी थे रांझ मेरे खाले बंदरां दे वेची बढ़ देन बढ़ सेन बिल्कुल ही आ जा सेन ओ कट्टे दे 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 भाई जान क्योंकि नवी जा दे हान पाए पुजे हैं ये घाल ही जा दे पहुंच गए भाई जान पहुंच गए पहुंच गए सर बिल्कुल वीआईपी जगह पे पुजे खड़े हैं खांदे पैन से खांदे पैन क्योंकि भाई जान जरा जगह जेरी है ना नवी आई ते ता करते दे पैस मैं कि वो पता नहीं पता दे भोल ना गए अंदर उड़े बंदरा दे चढ़े वदे ए पाई दे खुद कट्ठी कर रखी है अच्छा आई कूते नाल कोन रे सु ई कूते जग रे सु ओ तेरा गन सांदे रहे ओ पाई नहीं हिंदे रले साडे सु चलो ओ ही नहीं साडे सु ए मिट्टी तेरा साफ सूफ करके तू जगह जरा जगह साफ थी वैसे तेरा मामला आते तेरा चलो जी चलते हैं वापस ये जी अब वापस घर आ गए हैं फार्म से वगैरह क्योंकि आप देखते हैं जरा लगी है भूख भूख लगी है सही पेट दे विच चूहे भाई दे खड़े ना अरे ध्यान ते घर क्या पाए गरम करे ने कुछ चावल बई चीज खावाने ली पियो सी ते वल खाने आए ते वल कपड़े सिरी करे ने ते वल तो बदे वने बर्थडे दे ओ बिरो घर पे हन चावल ते किते से गरम ते हुन पे है खांदे चावल पाए भाई जन चावल किते गरम ते खाने कट्टे दा पुलाव है पुलाव कट्टे आला ए वेखो दोस्तों पेट पूजा फिर कम दूजा कर लिए ते पहले पेट पूजा ते फिर कम दूजा ते हुण असी करन लगे जरा इत्थे केरना मैं कोई अग छग लाई सी ते कोई साफ सफाई वाला कोई तरीका कीता सी ते ए वेखो जी ए वेदे पयो एनु लावणी आपा अग पहले लाई सी ते थोड़ी जी लगी है ते थोड़ी जी रह गई अगर ये फिर नहीं लगती ते एंदो ते करसां स्प्रे गंदली ते तां कर दे हो जासी साफ क्योंकि इत्थे मलबा थींदा पे काफी खराब ए वेखो जी ये सारा गंद कटा दिया पाए क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है ईमान ए भी है ईमान है वाल भाई कोई ना समझी खड़े हो वाल मैं कुत्ते ते पकड़ी खड़े हो समझदार हो ना हुण इनू लाने अग अब होने लगे हैं कपड़े प्रेस हेलो सर एक कहा लूहा अगे कितने होने शाम को अगे कितने होने अगे सात छह होने मतलब क्या आपका घर इस्तेमाल ज्यादा किया उसने आज जी हाँ ए सही खी दे दीते विरा कुते हूँ तैयारी करे ने बाद करोड़ पकड़वाना थी ने विरा दे आज खीर थोड़ा है मैं क्या अजवल घर ज्यादा इस्तेमाल थिया उसी ता कर दे थोड़ा है मादरा सही जी तू है दोस्तों जी गाड़ी है रेडी और अब जाने लगे हैं अब जाने लगे हैं जी देखो तैयारी हो गई है माशाल्लाह से अब जाने लगे हैं कहरोड पका बर्थडे पे आइए जी फिर चलते हैं शकील का बेटा और लेने आया है दूध कैसे सर अब तो रहते हैं बैठे ट्वेल्थ बैठे
क्या करना बैठे? पठान आया हुआ है उसके साथ बट सट लगा रहा है। पठान आया हुआ है वो कुत्ते वाला मुल्तान वाला जी। अच्छा वाल तो हिम्मत की थी बड़े मैं को सदा इसी वाल मैं तेरा काम में ला पिया। ये दो दिन हो गए हैं मैंने कुत्ते को खीर नहीं डाला। ओ भाई अमरा दे आया था पूछना मैं दे आया था मैं डलवा मुझे भोंक रहा था। ओ तेरी खैर ऐसे ही शकील भाई से बैठे दूर जड़े मुंह दी खिदमत कहने की तैयारी ने सिर तिया कड़ाई मैं नाल गया तो चौक ते आई ताकू काका बोल गए लालची है लालची वादा चीज दे सो तो ठीक है नहीं तो खत्म तुम्हारी साड़ी है। दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी खुशियां अल्लाह पाक हर किसी को दे, हर इंसान को बेतहाशा खुशियां दे और अल्लाह पाक हर किसी को हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे और उनकी लंबी ज़िंदगी दे और हर किसी को ये खुशियां इस तरह की नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। गम को सहने में भी कुदरत ने क्या मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है शाम हुई पंछी लौटाए उससे कहना हम बैठे हैं आस लगाए उससे कहना हमें तो अभी वो गुजरा जमाना याद आता है क्या तुम्हें भी कोई दीवाना याद आता है। दोस्तों भिरावो तो आपको साड़ा व्लॉग अच्छा लगे तो साड़ी वीडियो को लाइक कराए। तुसा ये दसने कि मेरी आवाज़ तो आपको किमें लगती पई है क्योंकि मैं बैठा कमरे के अंदर ते मेरे वाले साहब बाहर सुते पे ज्यादा उच्चा इं गलू कहनी में बोला अखे जी पोत्र क्या कंजर पूरा फुकरना बैठे ता कर दे आवाज ऐसा ते नाल दे नाल शरीकां को भी झटके लगे ने वे शरीक। अब इस व्लॉग का यहाँ करते हैं इख्तिताम। दोस्तों जर पे हमको साड़ी ये वीडियो अच्छी लगे तो सारी वीडियो को लाइक कराए कमेंट कराए ते नाल दे नाल शेयर करना ना भुलाए। ते हुण सा कुछ ना इजाजत दे सो ते हुण सा मिलसू असा तुहाडे नाल रासू हमेशा 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 ते हुण मिलसू अगले व्लॉग दे नाल। अल्लाह हाफिज़ ते अल्लाह निगहबान।